सर्दियों में जब लगे वार्डरोब को अपडेट है करना, तक बिग ब्लिस के क्लोथिंग सेक्शन को एक्सप्लोर है करना। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान। यहीं से कर्नल अजय जी, बात करें अगर प्याज की, तो प्याज में आपको क्या लगता है? क्योंकि प्याज में हमने देखा था साल 2021 में जब आपने बताया था कि तेजी आएगी प्याज में, तो हमने तेजी आते हुए भी देखी थी। फिर आपने मंदी की भी अग्रिम भविष्यवाणी करी थी कि प्याज में अब गिरावट आने वाली है, जिसका लाभ काफ़ी सारे दर्शकों ने उठाया भी था। मंदी में संभले भी थे और तेजी में लाभ भी उठाया था आपकी अग्रिम भविष्यवाणी से। अब आपको यहाँ से क्या लगता है, प्याज का बाजार कैसा रह सकता है? देखिए, प्याज के जो कारोबारी हैं और किसान हैं, खासकर महाराष्ट्र, क्योंकि सबसे ज्यादा जो उत्पादन और जो प्याज के ऊपर जो गतिविधि है वो महाराष्ट्र में है। यद्यपि दक्षिण भारत में भी इसकी प्याज की पैदावार बहुत अच्छी होती है, लेकिन महाराष्ट्र के अंदर जो प्याज है वो सबसे ज्यादा डोमिनेट करता है। प्याज के अंदर मुझे अब बड़ी तेजी की संभावना कम नजर आती है। प्याज के अंदर बचना चाहिए। यदि किसानों के पास माल है तो उसको बेचना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि प्याज के अंदर एक अब बड़ी तेजी की संभावना है। प्याज के अंदर कभी भी कमजोरी बन सकती है। जी अखिलेश जी। जी कर्नल अजय जी, तो जैसा कि कर्नल अजय जी ने बताया कि प्याज में उनके मुताबिक यहाँ से अब तेजी की संभावना नहीं बन रही है, गिरावट की संभावना है। तो कर्नल अजय जी के मुताबिक अभी प्याज में जो ऊपरी स्तर मिले उस पर अपने माल को निकाल देना ही ठीक रहेगा, बेहतर रहेगा। फिर से आ गया है कोरोना, घर पर रहने में ही है सबकी भलाई। अब आपको मेडिकल स्टोर पर लंबी लाइन में नहीं लगना। बिग ब्लिस लेकर आएगा 10 मिनट में आपके घर पर दवाई। बिग ब्लिस, खुशियों की अपनी दुकान।